बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ख़ूबसूरत पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न मैंने बना के रखा है आपके लिए, यही पैटर्न मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सेम इसी तरह बनाऊंगी, फिर इनको सेंटर से जोड़ के चार कोनों वाला टेबल मेट तैयार हो जाएगा। बहुत ख़ूबसूरत डिज़ाइन है, आप भी बनाइए मेरे साथ, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा आपको। इसमें मैं जो हुक इस्तेमाल करूंगी वो 2.5 mm की होगी, जो वूल इस्तेमाल करूंगी मैं वो 3-ply की होगी। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 chain बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4 chain, 5 करूंगी, 1, 2, 3 chain मैंने डबल क्रोशे के हिसाब से रखी हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हो गए, 2 chain, फिर इसी गैप में लगाऊंगी, फिर 2 chain इसी गैप में लगेगा, ये देखिए बेस बन गई है। 2 chain बनाऊंगी, यहाँ से मोड़ लेंगे, इस गैप में आ जाएंगे, 3 chain बनाऊंगी, 3 chain के बाद डबल क्रोशे, 1, 2 chain, यहाँ पे भी 2 chain बनेंगी, इस गैप में चली जाऊंगी, 2 double crochet लगेंगे 2 chain के साथ, टू चेन की इस गैप में वापस आ गई, 3 chain, डबल क्रोशे हो गया, 2 chain, वन टू चेन इस गैप में लगाऊंगी, 1, 2, 3, 3 chain के साथ इस गैप में, 1, 2 chain, टू डबल क्रोशे, 1, 2 chain के साथ। आपको बता देती हूँ कि ये सारा रिपीट पैटर्न है। 2 chain बनाती हूँ, यहाँ पे इस गैप में आ जाती हूँ, 3 chain डबल क्रोशे के बराबर है, यहाँ पे इनको 2 count किया जाएगा, 1 chain बना के इस गैप में 3 बनाती जाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लगा दिए हैं 1 chain के साथ, इस गैप में आ गई हूँ, 2 chain,
वन चेन के साथ 7 डबल क्रोशे लगाऊंगी। टू चेन बनाती हूँ, मोड़ लेती हूँ, फिर गैप में आ जाते हैं। 1, 2, 3 चेन, टू चेन बनाई है। यहाँ पे लूप्स बनेगा, 4 टाइम लगाऊंगी, एक बार बंद करूंगी 1 चेन के साथ। ये सारे लूप्स बनेंगे। वन चेन बनाती हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम लगाया, एक साथ बंद कर लिया, 1 चेन लगाई। टू चेन के साथ फिर इस गैप में चली गई हूँ। ये देखिए यहाँ तक बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लूप्स बनते हैं। ये सारा रिपीट पैटर्न है। आपको यहाँ से मैं ये वाला जाली वाला राउंड बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये पूरा बना के दिखाऊंगी और जोड़ना सिखाऊंगी। ये सारा रिपीट होगा। देखिए सेम बन रहा है। इसी तरह इसकी मैं अब आपको जाली बनाना सिखाऊंगी। टू चेन इस गैप में चले गए। 1, 2, 3 साइडों में बिल्कुल सेम रिपीटिंग है। सारा डिज़ाइन इसी तरह रिपीट होगा। वन चेन यहाँ पे डबल क्रोशे लगा, 1, 2, 3 चेन, 4 चेन, 4 चेन के साथ फिर यहाँ लगा, यहाँ पे 1 चेन बनेगी, 1 चेन यहाँ लग गया। ये देखिए यहाँ पे यही वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। 1, 2, 3 चेन के साथ इस गैप में लगा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 चेन करके 1 मिस करूँगी, 1 गैप मिस करके यहाँ लगाऊंगी। 1, 2, 3 चेन, 1 चेन के साथ इस गैप में डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4 4 चेन के साथ यहाँ पे डबल क्रोशे, 1 चेन के साथ यहाँ आ गई हूँ, 2 डबल क्रोशे,
वन टू ये देखिए ये जगह मैंने स्टार्ट कर दी है, सेम कंडीशन से बनेगा। आपको टू राउंड लगा के दिखाती हूँ, आपको इस पैटर्न के बारे में समझा देती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया, ये नया आने वाला पैटर्न भी मैंने बनाना यहाँ तक सिखा दिया। यहाँ से वन चेन मेंटेन रहेगी, यहाँ फिर सेवन डबल क्रोशे इस गैप में, यहाँ पे वन चेन इस गैप में, यहाँ पे फोर चेन इस गैप में, इसी तरह ये भी फोर चेन बनेगी, इसी तरह ये भी पैटर्न यहाँ बन जाएगा। ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे फाइव चेन लगाती हूँ, यहाँ पे भी फाइव चेन लगाती हूँ, यहाँ पे फोर फोर लगती हैं, ये साइडें इस तरह बनती जाएंगी। इसी तरह मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ। आपको मैंने समझा दिया है, कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको मेरे पैटर्न पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। इसी जितना पूरा पैटर्न बना के दिखाती हूँ आपको, फिर जोड़ना सिखाऊँगी सेंटर में। नाज़रीन, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको दिखाया, इसके साथ बिल्कुल सेम ये बनाया। ये देखिए बहुत खूबसूरत पैटर्न बनेगा। अब हमारे पास टू पीस हो गए हैं, इसको मैं फिर सेंटर से जोड़ना सिखाती हूँ आपको। ये देखिए हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसके जितने भी हैं, ये जितने पार्ट्स हैं, ये सब एक जगह पे जोड़ते रह जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये जितने पार्ट भी हैं इनको हमने एक जगह पे कर लिया है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, वन टू चेन लगाऊंगी। टू चेन लगाने के बाद यहाँ से इसे जोड़ती जाऊंगी, वन टू चेन। जहाँ थ्री चेन की ज़रूरत होगी थ्री चेन लगाऊंगी, जहाँ टू चेन की ज़रूरत होगी टू चेन लगाऊंगी। देखिए उल्टी साइड से जोड़ूंगी, इस साइड से इस तरह नज़र आएगा। ये देखें इसी तरह पूरा जोड़ के दिखाती हूँ, थ्री चेन के साथ जोड़ती जाती हूँ, वन टू थ्री चेन। थ्री चेन लगाने के बाद इस गैप को इस गैप के साथ जोड़ूँगी, ये देखें इस तरह हाफ क्रोशे से जुड़ जाता है थ्री चेन। थ्री चेन लगाने के बाद वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन बनाई। ये देखें ये दोनों के गैप में वन टू थ्री चेन इस गैप में चली गई हूँ। इसी तरह पूरा बंद करके दिखाती हूँ आपको। पूरा पैटर्न मैंने जोड़ लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैटर्न जुड़ गया है। हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसकी लेस बनाएंगे। लेस बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। थ्री चेन बनाई है, वन
1 2 3 4 फोर चेन का यहाँ पे छोटा सा मोती बन गया। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लगाऊंगी, इसको इस तरह मोड़ लूँगी। इसकी साइड पे जोड़ूंगी, हाफ क्रोशे से जोड़ लिया। यहाँ इसकी भराई करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पे 10 लगा दिए, यहीं से इस गैप में चले जाएंगे। यहाँ पे 2 लगाऊंगी, 2 डबल क्रोशे। बहुत ही प्यारी लेस बनने वाली है। 4 चेन का मोती बनाते हैं। टेन चेन बनाती हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से मोड़ लेती हूँ, यहाँ पे लगाऊंगी। हाफ क्रोशे से बंद कर देंगे, यहाँ मोड़ लेंगे, फिर भराई शुरू कर लेंगे। जैसे ये बनी इसी तरह सेम ये भी बनेंगी। ये वाली लेस कंप्लीट करके बताती हूँ। हमारी पूरी लेस कंप्लीट हो गई है, पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये देखें ज़बरदस्त बना है, आप भी बनाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। पिंक के साथ वाइट बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत बड़ा पैटर्न बना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।